अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा खान मलिक फैमिली व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है कहीं बाहर। लेकिन उससे पहले, हाँ मेरा बेटा, लेकिन उससे पहले खाना, नाश्ता, घर की साफ सफाई और जो मेरे पास कैट्स हैं, माशाल्लाह से तीन तीन कैट्स हैं, उन सबका खाना पीना और उन सबकी भी क्लीनिंग, तो वो सारी की सारी चीजें मुझे करनी है। लेकिन दानिश ने बोला था कि आज सबसे पहले तुम रेडी हो जाओगी और उसके बाद ये सारी चीजें करोगी, क्योंकि माशाल्लाह से काम तो मुझे नहीं करना, काम के लिए तो है घर में, लेकिन कैट्स का जो काम है वो मैं खुद करती हूँ। तो बस जल्दी से मैं जा रही हूँ अपनी कैट्स के लिए सारी की सारी चीजें करना और करने के लिए, और जल्दी से जो भी किचन में नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करना है। जैद दावर से भी पूछ लेती हूँ उनको क्या खाना है, दानिश के लिए मुझे सैलेड तैयार करना है और फिर उसके बाद खाने का इंतज़ाम। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे व्लॉग में देखेंगे आप। आई होप कि आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज का व्लॉग, क्योंकि मैं मतलब घर के बाद में इंशाल्लाह घर का सारा काम फिनिश होने के बाद मैं जा रही हूँ घर के बाहर। मुझे जाना है शॉपिंग पे सरोजनी नगर, क्योंकि मैं जैद दावर को लेकर नहीं जा रही हूँ, सिर्फ जैन और दानिश में हम लोग ही जाएंगे बस, क्योंकि मुझे थोड़ी सी देर का काम है, बस जल्दी से जाना है और जल्दी से वापस आना है। तो ऐसा सा कुछ सीन है गाइज, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है, कुछ वो हो रहा है अंदर से कि हाँ मैंने बहुत दिन से कुछ सामान लिया नहीं है, शॉपिंग नहीं की है, तो कुछ वो होता है ना, खून में मेरे शॉपिंग की कमी हो रही है, तो इस वजह से मुझे जाना है। तो मैंने दानिश को बोल दिया था कल ही कि मुझे सरोजनी जाना है, तो उन्होंने मतलब बहुत कीमती टाइम निकाल के मुझे बताया कि ठीक है हम लोग चलते। तो गाइज इंशाल्लाह मिलते हैं आगे वीडियो में। तो ये हमारा सैलेड तैयार हो गया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। दानिश इसके अंदर कोई भी मसाला वगैरह नहीं लेंगे। तो बस जल्दी से मैंने इनका पीनट है इसके अंदर और छोले हैं, और जैसे ये आपको दिख रहा है पुदीना डाला है मैंने इसके अंदर क्योंकि फ्लेवर आता है इससे और दानिश को काफ़ी पसंद भी है पुदीना। तो ये हो गई है काफ़ी कलरफुल सी सैलेड तैयार हमारी। तो गाइज मैं इसके अंदर ये वाले मसाले ऐड करूँगी जो ये होममेड हैं, अम्मी के हाथ के बने हुए, और मतलब ये काफ़ी मेहनत से बनता है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, सारी की सारी चीज़ों से बनाया हुआ है, और फिर ये पाउडर फॉर्म में भी है, तो तारीफ़ की बात ये है कि अम्मी का मैजिक वाला पाउडर है ये, चाट मसाला भी कह सकते हैं हम इसे, और बिरयानी के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं। मैंने पूरे रमज़ान अपनी इफ्तारी में यही वाला मसाला ऐड किया, अफ्तारी बड़े मज़ों की हो जाती है और दानिश की सैलेड भी बड़े ही मज़ों की हो जाएगी अब। तो गाइज अब है हमारा नाश्ते का टाइम और दानिश अपना करेंगे सैलेड इंजॉय, और ये हैं बच्चों के आलू वाले सैंडविच। तो जैद दावर लो बेटा, दावर लो। क्या वो दावर गर्म हो रहा है क्या? उठाओ खा कर देखो, कुछ भी नहीं हो रहा। दानिश सही है इसका नमक? खाके तो देख ही लो कैसा। क्या कह रहा? मतलब खाके तो देख ही लो कैसी है। अच्छा पता नहीं क्यों मुझसे ये चीज़ें नहीं खाई जाती, मेरा बड़ा ही दम खुशक होता है इन्हें खाने में।
एक दिन में, जबकि हर चीज ना बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर। एक दिन में बेड से होता है। एक बार किचन में भी चेक कर लेते हैं कि क्या बन रहा है। क्या बन रहा है भाई आज खाने में? दाल की बड़ी, मूंग की दाल की। मूंग की दाल की बड़ी, हाँ ये तो टेस्टी लग रही है काफी। अच्छा ये भाप नहीं ली है ना, स्टीम वाली जो होती है, फ्राई करी है, डीप फ्राई। हाँ वही है। और ये हो रही है इसकी ग्रेवी तैयार। चलो मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी, मैंने कभी खाई नहीं है। देखने में तो बड़ी मजों की लग रही है। चख के देखूं क्या ये? बेहतरीन। और यहाँ जैन ने लगा रखी है अपनी पूरी टॉय शॉप अच्छी सी करके। और ये हमारी कैट्स भी ये रही। वो कहाँ गई? बेड के नीचे। वो जो भैया, अरे भैया नहीं 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 भैया, मुझे नहीं डराओ, मुझे नहीं डराओ, मुझे नहीं डराओ। लो ये खा लो, खाओ टेस्टी है। तो गाइज ये है मेरी कैट्स का चिकन जो मैं जल्दी से बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मुझे भी जाने के लिए लेट हो रहा है। और इनको खाना वगैरह सब रख कर ही जाऊंगी, क्योंकि तीन तीन कैट है माशाल्लाह से, मैं उन्हें लेकर भी नहीं जा सकती। जाहिर सी बात है जब मैं जैद दावर को लेकर नहीं जा रही। और ये है हमारी मूंग की दाल की बड़ी है, जो कि मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी। तो बस जल्दी से मैं जैद दावर के लिए भी, मतलब घर पे जाएंगे जैद दावर, तो उनको भी पैक करके दे देती हूँ। मम्मी पापा भी चख लेंगे और जैद दावर भी खाना खा लेंगे। इसमें तरी नहीं होती क्या है? इसमें तरी नहीं होती? बिना तरी हो के तो बताओ, खाने भी हलक में नहीं उतरते हैं हमारे, पता है तुम? बात नहीं, लेकिन वो है ना, ये दाल की है ना, तो दाल ने तो और भी ज्यादा इसका वो ले लिया सब। तुम भी ले जाओ थोड़ी सी अपने लिए। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छा हाँ, लौकी की भी अच्छी बनते हैं, लौकी के तो कोफ्ते बनते हैं शायद, वो तो बनाए मैंने। चलो ये कर दिया मैंने घर के लिए पैक। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपनी कैट्स का पूरा खाने का सेटअप लगा दिया है वापस से, क्योंकि घर की क्लीनिंग चल रही थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्होंने पूरी रात यहाँ पे पूरा का पूरा वो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गाइज कि वो है हमारी न्यू मेहमान, और मतलब अभी उसे तीन दिन ही हुए हैं घर में आए हुए, तो वो कोशिश कर रही है इन दोनों के साथ में मिल कर रहने की। तो उसकी कोशिशें नज़र भी आ रही है माशाल्लाह से। आप इसका क्यूट फेस देखिए एक बार, कि कितना प्यारा इसका फेस है, बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह से। और हुरैन और हुरैना लग, हुरैन और हुरैरा लगे हुए हैं खाने में। और ये इसको अभी खाना नहीं है, क्योंकि अभी इसको मैंने चिकन सूप दिया था। तो गाइस ऐसा सा कुछ सेटअप है, बस जल्दी से मैं भी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि घर की क्लीनिंग वगैरह में ही लगी हुई थी मैं बहुत देर से। हुरैन हुरैन, गाइज मैं जा रही थी कपड़े चेंज करने के लिए, और अचानक से आप देखिए जरा कि मौसम को क्या हो गया है। वैसे तो खैर मौसम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन बारिश होने लगी है बड़ी तेज, तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ होने तो लगी है बारिश। और बस बारिश होने का मतलब है कि बस सब जगह पानी पानी पानी, सब गंदा गंदा हो जाएगा। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन काश पहले मैं घर से निकल जाती यहाँ से, उसके बाद बारिश होती ना तो ज़्यादा मज़ा आता फिर। गाइज ये हो गया है हमारी कैट्स का चिकन तैयार, और हुरैरा वेट कर रहा है मेरा यहाँ पे कि मैं इसको जल्दी से दूँ। और ये रही हुरैन, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ अंदर, आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हुरैन और हुरैरा को वेट हो रहा है कि बस जल्दी से मैं दे दूँ, आ जाओ। ये हुरैरा आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा, चलो खा लो दोनों।
तो गाइज़ माशाल्लाह से हमारी ये वाली भी कैट खा रही है अच्छी तरीके से, और ये इनका चिकन का सूप है साथ में, सबसे ज़्यादा ये यही अच्छी तरीके से इंजॉय करती हैं। चलो माशाल्लाह अच्छे से खा रही है मेरी बच्ची, खा लो, चलो खा लो खा लो, डिस्टर्ब नहीं करो इन्हें। तो गाइस फाइनली आ गए हैं हम बाहर, और हमारे साथ एक मसला हो गया कि पहले रुकी हुई थी बारिश, और जैसे ही हम घर से निकले थोड़ा सा दूर चले बस, और तो बारिश बहुत तेज होने लगी, और हम सब पार्किंग जाने से पहले ही हम गीले हो गए, मतलब बहुत तेज नहीं लेकिन हाँ गीले हो गए क्योंकि पार्किंग दूर थी इस वजह से। और ये रहे जैन, जैन अपने जैद भाई और दावर भाई को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जैन, जैद भाई कहाँ है? इचाई। जैद को बोलते हैं जैन, इचाई और दावर को बोलते हैं अंगाई। इन्होंने अपने ही पास से ये दोनों भाइयों के नाम रखे हैं। तो बस गाइज अब निकलते हैं यहाँ से, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का कैसा मौसम है, और मार्केट भी दिखाती हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट लगी हुई भी होगी, तो मैं दानिश से भी बोल ही रही थी कि दानिश अगर मार्केट नहीं हुई लगी हुई तो कुछ कहोगे तो नहीं, कुछ कहोगे तो नहीं तो मुझसे कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कुछ नहीं कहूँगा कुछ कहोगे तो नहीं, कुछ नहीं कहूँगा, देखना ऐसा मत कहो। मुझे वैसे पता नहीं था ये आज बारिश हो रही है, और हमने ना 3-4 दिन पहले से प्लान बनाया था कि हम लोग संडे को जाएंगे, तो बस ऐसा सा कुछ सीन हो गया, और बिना कुछ खाए पी आई हूँ मैं, मतलब इतना दिल कर रहा था मेरा खाने का ना कि वो बनी थी ना मूंग की दाल की बड़ियां, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसे ही चम्मच से रूख ही खाऊं, लेकिन फिर जैसे ही बारिश रुकी ना तो बस भागम भाग में निकले, क्योंकि घर पे भी बस मैं लगी हुई थी कैट का खाना वगैरह ये सब चीजें रखने में। तो बस अब चलते हैं हम मार्केट की तरफ, और मौसम दिखाती हूँ आपको कि बड़ा ही अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से। तो गाइज एसी हो रही है हमारी दिल्ली इस वक्त, इतनी खूबसूरत और ग्रीनरी आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह से, बारिश में कितने अच्छा हो जाता है सारा माहौल मौसम, और बारिश हो रही है कंटिन्यू लेकिन तेज नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन भीग जाएंगे अगर थोड़ा सा भी दूर चलेंगे। अच्छा हो रहा है मौसम। हाँ क्या चाहिए जैन है? कुकू। और कुकू के साथ क्या चाहिए? चाय। सुन लिया दानिश, कुरकुरे चाहिए और चाय, चाय का मतलब कोल्ड ड्रिंक पता है ना, तो उसका खाने पीने का इंतजाम कर दो भाई। भाई भाई नहीं बहन, भाई की बहन, मैं भैया की बहन तो अभी जैसे ही कोई भी दुकान पड़ती है ना यहाँ पे जो रोड के साइड में लगी हुई होती है, कोई भी वेफर्स वगैरह ले लो इसके लिए। और रास्ता और मौसम बस बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहा है दानिश। और दानिश भी लग रहा है मुझे कुछ कुछ मौसम चेक करिए जरा कि किस तरीके का मौसम हो रहा है, बारिश है कि और भी ज्यादा तेज हो गई है यहाँ आते आते, और पता नहीं मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं कोई शॉपिंग कर पाऊंगी, क्योंकि आई थिंक सरोजनी मार्केट भी शायद लगी हुई नहीं होगी, अगर लगी हुई होगी तो मतलब शॉप वगैरह होंगी, बाकी बाहर कोई जो पूरी मार्केट अच्छे से लगी हुई होती है तो वो मार्केट आई थिंक नहीं लगी हुई होगी, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज, तो शायद आज का दिन गलत डिसाइड किया। मतलब बाहर आकर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बारिश में घूमना पसंद है, लेकिन मुझे शॉपिंग करनी थी आज दानिश। आ गए आ गए
अच्छा कोई बात नहीं, चलो दानिश शॉप पड़ेगी शायद आगे, देखो मुझे वेफर्स नजर आ रहे हैं यहीं से। अच्छा दानिश कुछ ले लो यहाँ से। भूख लग रही है बहुत तेज, क्या मसला हो गया? अगर घूम नहीं थे तो जैद दावर भी साथ नहीं आ जाते फिर? उनको लेकर आएंगे। और जैन सो गए मेरी गोद में कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे मांग मांग कर, लेकिन यहाँ कोई शॉप ना ऐसे मिली नहीं क्योंकि बारिश भी बहुत तेज हो रही है, तो इसलिए ऐसे कहीं पे गाड़ी रोक भी नहीं सकते क्योंकि सभी लोगों को निकलना है बस। तो गाइज मुझे लग रहा है आज मैं सरोजनी नगर नहीं जाऊंगी, मुझे शॉपिंग करनी थी यार नानी। अच्छा कोई से मॉल चलो फिर है? यार एम्बुलेंस जा रही है, अल्लाह रहम करे। मुझे तो इस साउंड से ना मेरा बड़ा दिल बैठा बैठा जाता है। तो गाइज हम ना बिल्कुल एम्स हॉस्पिटल के पास ही है, यही एम्स हॉस्पिटल आ गया। तो मुझे वही वाले दिन याद आ रहे हैं जब पापा हॉस्पिटल में थे तो हम आते थे यहाँ पे रोज, बस अल्लाह ताला ने रहम कर दिया, साथ खैरियत से पापा घर पे आ गए वापस, और माशाल्लाह से आप सबकी दुआओं से दिन पे दिन पापा बेहतर भी हो रहे हैं माशाल्लाह से। तो गाइज ये हम आ गए हैं सरोजनी नगर मार्केट, और यहाँ का हाल देखो जरा किस कदर, मतलब बुरी तरीके से पानी पानी हो रहा है यहाँ पे सारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पे दानिश मार्केट तो लगी हुई है। है क्या करें, जाएंगे? मैंने तो अपना मन बना लिया था कि मैं नहीं जाऊंगी। अभी और ही चलेंगे, बारिश भी तो हो रही है देखो ना, बारिश दोबारा आ जाएगी। तो गाइस मैं नहीं जा रही सरोजनी नगर मार्केट, मैं वापस यही से ही जा रही हूँ क्योंकि बस बारिश रुक जाएगी तो मैं जाती, लेकिन बारिश रुक नहीं रही है, बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है यहाँ पे ना, सब गंदा हो जाएगा। ये रही सरोजनी नगर मार्केट जो पूरी ऐसे गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे, इतने बुरे गड्ढे और पानी, इसीलिए तो रबड़ के जूते पहन कर आया हूँ। तो गाइस जरा नोटिस करिए, ये रोड इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग दिल्ली में, ऐसा लग रहा है कहीं बाहर आ गए, क्योंकि दानिश बता रहे हैं यहाँ पे सारी कंट्रीज की एम्बेसी ऑफिस है। कहाँ कहाँ के थे दानिश पीछे बता रहे थे ना? ये कहाँ की? रशिया की। ये रशिया की एम्बेसी है यहाँ पे। तो गाइस सूडान की इधर। तो गाइस यहाँ पे बस निकल गई जापान वगैरह, बहुत सारी यहाँ पे एम्बेसी बनी हुई है, तो इसलिए ये रोड इतना ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। अमेरिका की एम्बेसी भी है यहाँ पे। हाँ वो तो ये सब इसी वजह से बना रखा है क्या यहाँ का? अच्छा सर्बिया की है। अच्छा इधर पेड़ों में ना वैसे दिख नहीं रही है, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से बोर्ड बना रखा है। म्यांमार फ्रांस की आ गई, ये फ्रांस की एम्बेसी है यहाँ पर, पाकिस्तान की है उधर पाकिस्तान। वाओ दानिश कितना प्यारा रोड लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं तो घूम ली है सारी कंट्रीज। अच्छा लग रहा है, नहीं मैं तो काफी काफी नहीं बहुत प्राउड करती हूँ इंडिया पर और अपने दिल्ली पर। तो गाइज ये है अमेरिका की एम्बेसी, ये एम्बेसी ऑफिस, और मौसम देख रहे हैं ना गाइस आप कि किस कदर बेहतरीन वाला मौसम हो रहा है बस। लेकिन फिर ना मेरा मूड खराब हो रहा है क्योंकि मुझे भूख लग रही है, और ये ना मुझे कुछ खिला नहीं रहा, क्यों नहीं खिला रहे हो कुछ? हैं तो वो खिलाऊंगा क्या? ब्रेड पकौड़ा नहीं, मुझे नहीं खाने ये सब फालतू की चीज है। तुम बस मेरे लिए पॉपकॉर्न ले दो दानिश, कहीं से दो तीन जगह गाड़ी रुकी उसमें पॉपकॉर्न नहीं था। दानिश कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, वीडियोस नहीं बना सकते क्या? क्यों उतरने दो, कोई भी नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से ना अलाउ भी नहीं होगा, ये चीन की एम्बेसी है ये वाली, चीनी तो लिखा हुआ था चीन चाइना एक ही तो है। तुम बड़ा वो हो रहे हो चिंग चोंग। नॉर्वे की है पीछे। किसकी? नॉर्वे। नॉर्वे यहाँ से सारे इन्होंने फ्लैग्स क्यों उतार दिए? हो गया ना सब कुछ,
हाँ यहाँ पे तो सारी कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए थे, इस वाले गोल वाला जो पूरा पार्क है बहुत अच्छा था उस टाइम पे। अच्छा अभी तक चली रही है यहाँ पे एम्बेसी, इंडोनेशिया की एम्बेसी। भाई साहब अच्छा खासा बेहतरीन पैसा खर्च कर रखा है इन लोगों ने। तो गाइस हम आ गए जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर, क्योंकि बाहर कुछ कर नहीं पाया आज, मार्केट भी नहीं गई मैं, तो मैंने बच्चों को यहीं बुला लिया है बाहर कि बच्चों को लेकर आ जाओ यहाँ पे, इसके बाद में बच्चों को कुछ खिला देंगे बाहर ले जाके। यमुना विहार जाऊंगी मैं बच्चों को लेके मोमोज वगैरह खाने के लिए, तो अभी बच्चों का वेट कर रहे हैं हम यहीं पर खड़े हुए। ये जीनत महल स्कूल है मेरे बराबर में, मतलब मेरा स्कूल है, मैं यहीं पढ़ती थी। तो बस जल्दी से बच्चे आ जाएं, उसके बाद हम जाएंगे यमुना विहार, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं। जैद दावर आ गए हैं, कहाँ है दब्बू जैद? ये रहे दोनों। कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज दे दिया? अच्छा। और क्या कह रहे थे तुम अभी मम्मा पापा से? थैंक यू। चलो सही है। ये अपनी पता नहीं कौन सी चाइनीज भाषा में बोलता। तो कहाँ जा रहे हैं हम? यमुना विहार। क्या खाना है जल्दी जल्दी से बता दो। आइसक्रीम कई दिनों से खाई नहीं है तो मैं आज वो खाऊंगा। दावर नहीं खा सकता, दावर नहीं खा सकता आइसक्रीम। दावर खिला देंगे? नहीं मेरे बच्चे दब्बू, तुम नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना किया है। देखेंगे, चलो देखेंगे कितना अंधेरा हो गया। चलो तो गाइस ये है भजनपुरा और यहाँ पे पानी इस कदर भरा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और इसी वजह से हम चल रहे हैं सर्विस रोड पे बहुत देर से, रास्ता ही नहीं मिल रहा है यमुना विहार जाने का, चारों तरफ से लॉक हो रहा है रास्ता। गाइस ये हम भी पानी में ही है इस वक्त, बहुत ज्यादा पानी ही पानी हो रहा है बस यहाँ पे। ये भजनपुरा वाला एरिया है पूरा, जो पूरा डूबा हुआ, ये तो फिर भी कम है, ये तो फिर भी मतलब कम है, पीछे तो बहुत ज्यादा था जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ बेटा चाय चाय हो रही है, चाय सारे में सारी चाय चाय। तो गाइस ये आ गए हैं बच्चों के स्टीम मोमोज एंड ये हैं चीज कुरकुरे मोमोज। तो ये सब खाने वाले जैद दावर, और थोड़ा सा कंपनी दे दूंगी मैं बच्चों को, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि मम्मा भी नहीं खाएंगे ये सब चीजें, क्योंकि पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। दानिश चखोगे भी नहीं? एक तो ले लो। तो गाइस दानिश बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि दानिश ये सब चीजें बहुत सीरियस अवॉइड कर रहे हैं, और लेकिन मैं थोड़ा सा ले लूंगी क्योंकि एक तो प्लस ये कि मुझसे रुका नहीं जा रहा, पूरी गाड़ी में इसकी खुशबू हो गई है, दूसरा ये कि बस बच्चे अकेले खाएंगे और इतने सारे हो जाएंगे ये, है ना, तो मैं बच्चों की हेल्प करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। और जैन दे रहे हैं सबको चाय, चाय के ग्लास मतलब, तो इनकी चलेगी कोल्ड ड्रिंक। मोमोज नहीं खाने आज? नहीं, अरे भैया। चलो 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 दानिश पीछे दे दो ना इनको, जब बच्चे ही खा रहे हैं तो मैं तो इनसे ही ले लूंगी। तो गाइज हम घर पे आ गए, और अरे भैया। ये रही हमारी कैट्स। अरे हाँ खाना खाया तुमने? दिखा सर। अरे हुरेरा, और हुरेन यहाँ पे लेटी पड़ी है। और ये देखो जरा, इन्होंने इतनी देर में इतना सारा पोटी सूसू सब कर दिया, और अपना सारा चिकन भी फिनिश कर लिया दानिश। और ये रही मैं, बड़ी ही थकी हुई हालत में, बहुत ज्यादा बहुत थक गई हूँ मैं। खा लिया? वाह माशाल्लाह, इसने भी अपना पूरा चिकन फिनिश कर लिया, चलो अच्छी बात है। तो भूख लगी होगी ना दानिश? उस टाइम पे मैंने इन्हें सूप पिलाया था। क्या किसी ने करा? किसी नहीं, नहीं इसी ने खाया होगा माशाल्लाह से। और हुरैन तो उठी भी नहीं है, बस साइज खोल ली अपनी, पूरी लेटी पड़ी है अच्छी तरीके से। नहीं भैया मेरी लड्डो बेटी।
गाइज, आई होप कि आपने आज का व्लॉग बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा। फाइनली मैं आज बहुत दिन बाद निकली शॉपिंग के इरादे से, लेकिन मैं सरोजिनी नगर नहीं जा पाई, मतलब मार्केट में नहीं गई, वहाँ तो गई लेकिन मार्केट के अंदर नहीं गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश जो होने लगी थी ना, और वहाँ पे पानी पानी हो रहा था, बहुत पानी भरा हुआ था, और वहीं नहीं सब जगह पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो अच्छा ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंशाल्लाह दोबारा जब जाऊँगी तब इंशाल्लाह व्लॉग भी बनाऊँगी कि क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ वहाँ से। मुझे ना कुछ अपने लिए नाइट सूट वगैरह ही लेने थे, इसलिए मैं गई थी सरोजिनी नगर। तो गाइज़ बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर पूरा। तो गाइज़ मेरे पिछले व्लॉग पर जिसका फर्स्ट कमेंट था, क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से व्लॉग तो हमने पब्लिक कर दिया था लेकिन उसका कमेंट ऑफ रह गया था, उसका कमेंट ऑन नहीं था, तो जिसने कमेंट किया वो फर्स्ट नहीं था। तो फरीन शेख हैं जिन्होंने अपना कमेंट किया, और वो मुझे बता भी रही हैं कि उन्होंने फर्स्ट कमेंट किया था, तो क्योंकि मेरा कमेंट ऑफ था तो इसलिए वो मुझे मिला नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपका ही स्क्रीनशॉट लगाऊंगी अपने व्लॉग पर, क्योंकि मैं फीलिंग्स की बहुत कदर करती हूँ और आपने बहुत अब से पहले भी सपोर्टिंग मैसेज किए, तो फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट और बहुत अच्छे कमेंट फरीन शेख के, तो थैंक यू फरीन। तो गाइज दूसरी चीज़ एक और है, उनका नाम है शहजादी मलिक। वो कह रही हैं कि उन्होंने शायद मेरे पिछले व्लॉग पर बोला होगा क्या कि उनका फर्स्ट कमेंट था, लेकिन मेरे ध्यान नहीं, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं सही स्क्रीनशॉट आपके लूँ और वो लगाऊँ, लेकिन फिर बहुत लोगों की शिकायतें भी हो जाती हैं। तो गाइज़ बस आप माइंड ना किया करें, बस मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। तो जो सेकंड है वो उनका है, उनका नाम है शहजादी मलिक, और उनका मैसेज भी है साथ में और काफ़ी सपोर्टिंग मैसेज करती हैं, तो थैंक यू शहजादी, मुझे आपके मैसेज बहुत अच्छे लगे, थैंक यू। तो गाइज़ आज की वीडियो करते हैं बस यहीं पर पूरी। आई होप कि आपने मेरा व्लॉग बहुत अच्छे से इन्जॉय किया होगा। तो गाइज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।